हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मेरा नाम सोमन, मैं शोमू। हम लोग फिर से आगे एक नया वीडियो लेके, तो बेसिकली एक ऑफबीट लोकेशन है। हाँ, ऐसे ही मिल गया हम लोगों को। ऑफबीट नहीं बोलूंगा, हम लोगों के लिए ऑफबीट है क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि पता नहीं था ये। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आए नहीं थे कभी, तो आज पहली बार आई हूँ। तो हम लोग लॉरेंस टाउन गए थे। लॉरेंस टाउन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड किया, वो आप लोग देख सकते हो। तो वहाँ से लौटते टाइम हम लोगों को ये छोटा सा ट्रेल दिखा, ठीक है, जस्ट हाई रोड के ऊपर ही है। तो मैंने अपना गाड़ी देखो, वहाँ पे मैंने पार्किंग किया, मुझे कोई पार्किंग नहीं मिला, बस मैंने साइड पे पार्किंग किया। मैंने इसको बोला चलो थोड़ा सा ट्रेल देख के आते, बहुत लंबा ट्रेल है और एक दोनों तरफ देखो फ्रोजन लेक है। जो लेक है इसका कलर बहुत मस्त लग रहा था, अभी तो वाइट लग रहा है, लेकिन जब हम लोग पहले ड्राइव करके गए यहाँ से ही जा रहे थे तब देखा था। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या है, देखो जो लेक है आधा फ्रोजन है और आधा पानी है। तो जो फ्रोजन है वो वाइट लग रहा था और जहाँ पे पानी है वो ब्लू कलर का आ रहा था। जो स्काई का कलर है वो कलर बिल्कुल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा हम लोगों को। और उसी टाइम पे हम लोगों ने सोचा कि अभी लौटते टाइम हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करके थोड़ा सा देख के हम लोग जाएंगे। पता नहीं, मैंने अपना गाड़ी तो अभी पार्किंग कर दिया, मुझे कोई टिकट ना मिल जाए, दैट इज़ माई कंसर्न। क्योंकि अगर यहाँ पे आप किसी भी जगह पर अगर पार्किंग करते हो तो आपको टिकट मिल जाता है, या किस्मत अगर बदकिस्मत ही हुआ तो। तो मैं जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी हम लोग थोड़ा सा वॉक करके यहाँ पे आएंगे। और मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ जगह कैसा है। तो कैसा लग रहा है? बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। ठंडा कैसा है? और ठंड तो बहुत ही है, मेरा लिप्स ऑलरेडी फ्रोजन है, ज्यादा अच्छे से ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ। वहाँ पे लेक पे गूज भी है। चलो चलो, डार्क्स है वो, गूज नहीं है। देखो मैं आप लोगों को दिखा तो ठंड में क्या है, डार्क्स है शायद। नहीं, डार्क्स भी है गूज भी है। ये जो गूज है क्या? हाँ, ब्लैक वाला वो गूज ही होता है। आई डोंट नो आप लोगों को कितना दिख रहा है, लेकिन बहुत आई डोंट नो, हम लोग ठंड में फ्रीज हो रहे है। और नेचर का क्या कमाल है यार। और सामने एक वुडन ब्रिज है और उसके दोनों तरफ दो आइस लेक है। कितने अच्छे लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोगों को इतना ठंड लगता है, ये डाक वगैरह को कुछ नहीं होता। तो इन लोगों का फेदर इसलिए जैकेट में इतना इस्तेमाल होता है, राइट? इसीलिए इसीलिए ही तो इंडिया से मैंने जैकेट लेके आना कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट की जैसा क्लाइमेट वैसे ही जैकेट मिलता भी है। आप जैकेट लेते हो तो आप देख के लेना कि वो डाउन से है नहीं, डाउन फेदर या व्हाट काइंड ऑफ फेदर दो जैकेट्स आर मेड ऑफ। राइट नाउ मैं जो पहना हो ये डाउन है, डाउन बोलते हैं इसको। काफ़ी गर्म होता है बेसिकली और देखने में पतला होता है। देखिए यहाँ पे ये भी एक गूज है या डार्क, आई डोंट नो। नहीं, ये डार्क है, ये सिगल है। सिगल है क्या? सिगल, ये सिगल है, हम लोग की तरफ आ रहा है। ये सिगल है, लेकिन वो ब्लैक वाला जो था वो, अरे वो घूम गया अभी फिर से। उसको लग गया कि इंसान सबसे ज्यादा डेंजरस है। और ये ट्रेल इतना मस्त लग रहा था दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल बर्फ गिर चुकी है। तो हमारे बच्चों को भी देखना पड़ता है, इतना शैतान हो गया है अभी। उधर भी छोटा सा ब्रिज है, उधर से वो हाई रोड निकल रहा है, ठीक है, बस पुलिस ना आ जाए। पुलिस आएगा तो पक्का मेरे गाड़ी को टिकट दे देगा, क्योंकि यहाँ पे आप हर जगह पे कार पार्किंग नहीं कर सकते हो, राइट? अगर आप कनाडा आते हो, इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, तो बी केयरफुल। लेकिन ठीक है यार, थोड़ा सा एंजॉय करना भी ज़रूरी है, ऐसे जगह देखना भी ज़रूरी है। ज़बरदस्त ठंड होता है अभी। कहाँ लग रहा है, पूरे दुनिया के किसी और किस कोने में आ गए हम लोग, राइट? ऑलमोस्ट जो लॉरेंस टाउन जो बीच है, अगर आप देखोगे ना मैप में, तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक नो नोवा स्कोशिया, तो ऑलमोस्ट एंड ही है, ईस्ट कोस्ट का, ईस्टर्न साउथ है बेसिकली। तो इसके बाद बस समुंदर ही समुंदर है। तो आप लोगों को एक फन फैक्ट बताओ कि यहाँ से जो टाइटैनिक जो डूबा था, राइट, लॉरेंस टाउन लेक, सो बेसिकली दिस इज लॉरेंस टाउन लेक, देखिए यहाँ पे लिखा है। तो टाइटैनिक जो डूबा था वो यहाँ से काफ़ी करीब है, 200-250 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सोचो ठंड में, मतलब यहाँ पे इतना ठंड है, अभी तो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से लोग बोलते हैं कि ठंड कम होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो बेचारे जो ट्रैवलिंग में जो डूब गए थे, वो लोगों का हालत क्या हो गया था, आई सोच के कैसे लगता है इतना ठंड। ये ठंड क्या है पता है आप? अब जब तक महसूस नहीं करोगे ना दोस्तों, जब तक आप समझ नहीं पाओगे कि ठंड किस चीज़ को बोलता है, राइट?
क्योंकि कनाडा में आने से पहले हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा शांत था वहाँ पे। देखो कितना बहुत सारे ग्रूज है देखो। तो कनाडा में आने से पहले मैं बोल रहा था कि हम लोग गए थे गुरुदंगल लेके, याद है सुनो? -3 डिग्री वो सबसे ज्यादा ठंड था हम लोगों के लिए, तब वही बहुत ज्यादा लग रहा। 3 डिग्री मतलब उस टाइम पे तो पूरा हम लोग फ्रीज हो गए थे। व्हाट अ नाइस प्लेस। अगर आप लोग कलकत्ता में हो, अगर आप लोग इंडिया में हो और अगर आप लोगों का सिक्किम जाने का प्लान है, गुरुदंगल लेक जरूर जाना है, जरूर जाना। लोग लद्दाख करते हैं, बहुत लद्दाख बोलते हैं, दैट इज अ मिनी लद्दाख ऑफ सिक्किम यू कैन से। बहुत ही बढ़िया जगह है गुरुदंगल लेक। सुनी बे, वो जो ठंड था -3 डिग्री और अभी कनाडा में आने के बाद -18 -17 क्या होता है वो अभी फील होता है। अब तो -42 भी देखने को मिल गया हैलिफैक्स में। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ना आपको उतना तकलीफ नहीं होता है। इंडिया में क्या है, मैं फिर से वही बोलता हूँ कि गुरुदंगल एक जब हम लोग गए थे -3 -4 बहुत ज़्यादा ठंड था, क्योंकि वहाँ पे जो घर होता है ना वो इंसुलेटेड नहीं होता है, वो उतना एक्सट्रीम कोल्ड के लिए बना हुआ नहीं होता है। वो सीमेंट एंड जो भी हम लोगों का जो घर है राइट, और उसमें हीटिंग सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं होता है राइट। और कैमरा ऊपर कर दिया। हाँ दिखाता हूँ मैं, आगे जा रहा हूँ मैं दिखाता हूँ। अरे वो लोग चला जाएगा। क्या होता है कि वो उतना इंसुलेटेड नहीं होता इसलिए इतना ठंड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर जगह पे हीटर अवेलेबल है, जो भी घर लो अब जहाँ पर भी जाओ हीटर अवेलेबल है कंपलसरी है, तो उतना अनकम्फर्टेबल नहीं होता है। जब आप बाहर वॉक करते हो तो भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है। अब मैं आप लोग कैनेडियन गूज जो मेरी वाइफ बोल रही थी राइट, और एक कैनेडियन गूज जो होता है इनका जो फेदर होता है दैट इज़ वेरी वार्म, ठीक है, वो शरीर को बहुत ज़्यादा गर्म रखता है। और एक कैनेडा गूस का जो जैकेट होता है राइट, कनाडा गूस का जैकेट भी मिलता है, बहुत महंगा होता है दोस्तों, $1,000-$1,500 ऐसे इसका प्राइस होता है। और जो इससे मेड होता है, इससे तैयार होता है, इसका फेदर से वो बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग होता है। वैसे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है क्योंकि दैट इज़ एनिमल क्रुएल्टी और समथिंग लाइक दैट, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ कनाडा गूस राइट। इन लोगों को ठंड नहीं लगता है, सोचिए अब हम लोग ठंड में फ्रीज हो रहा है और इन लोगों को बिल्कुल ठंड नहीं लग रहा है। So anyway, so quite cold it is, but what a beautiful place, another upbeat location you could say। ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, ज़्यादा लोग नहीं आता है, और ये रास्ता अब चला जा रहा है लॉरेंस टाउन लेक जो है, शायद ये रास्ता जाके पोर्टर लेक में मिक्स होगा। तो फिलहाल उतना दूर तो शायद हम लोग नहीं जाएंगे, इतना ठंड है। देखो ये कनाडा गूस है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अभी सनसेट होने वाला है कुछ देर में। देखो सनसेट होने वाला है, थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है, अदरवाइज ये जो कलर है ना कलर मस्त आ रहा था। जब हम लोग गए थे तब जबरदस्त धूप था इसलिए वो पूरा ब्लू लग रहा था, लेकिन अभी तो ऑलमोस्ट 5 बज चुका है तो अभी ये थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन व्हाट अ नाइस व्यू, बहुत अच्छा है दोस्तों। तो यही है कि अगर आप कनाडा आते हो, अगर आप नोवा स्कोशिया आते हो दोस्तों, मैं हमेशा एडवोकेट करता हूँ नोवा स्कोशिया के लिए, क्योंकि ये प्रोविंस बहुत ही ब्यूटीफुल है, ट्रस्ट मी। आप अगर नहीं आओगे, नहीं देखोगे ना, समझ नहीं पाओगे। लो कॉस्ट ऑफ लिविंग और इतना इतना अच्छा नेचर, आप कभी भी आपको टाइम मिलता है, ओवर द वीकेंड हो, वीकडेज हो, आप कहीं पर भी निकल जाओ, आधा घंटा 1.5 घंटा के डिस्टेंस में आपको ऐसे इतना बढ़िया बढ़िया जगह आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आकर आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। बड़ी जो चीज़ है ना दोस्तों, मैं बहुत मिस करता था, ट्रस्ट मी, मैं इंडिया में ना जब मैं 2 साल था कोविड के टाइम पे, मैं बहुत मिस करता था, क्योंकि कहीं पर जाना भी होता ओवर द वीकेंड बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, जहाँ पर भी जाता था बहुत ज़्यादा क्राउड होता था, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड देख के हम लोग बड़े हुए हैं, तो शायद इतना क्राउड उस टाइम पर और अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बच्चे को खेलने का मन होता था कहीं पे। लेकिन हाइजीन भी एक फैक्टर है किसी किसी जगह पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप अपने बच्चे को आराम से छोड़ दो, बच्चे अगर यहाँ पे भी लेकिन नीचे भी खेलेगा, लेकिन जो भी है दिस इज़ द हाइजीनिक प्लेस, यहाँ पे इतना गंदगी नहीं होता है राइट, एंड मोस्ट ऑफ ऑल कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई हॉन्किंग नहीं है, यू आर सिक्योर्ड एनवायरमेंट। सो एनी वे, सो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग भूलिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, लेकिन अभी बहुत ठंड हो रहा है। अभी मैं दौड़ के अपने गाड़ी में जाने वाला हूँ, मेरी वाइफ और बच्चे भी अभी जा रहे हैं, वो लोग गाड़ी में जा रहे हैं, मैं भी गाड़ी में जाऊँगा। ट्रेल कंप्लीट करने का मन था लेकिन नहीं जा पाऊँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो छोटा छोटा ऐसा ट्रेल बहुत ज़्यादा है, अगर आप कनाडा आते हो, हैलिफैक्स आते हो, नोवा स्कोशिया आते हो, एक्सप्लोर करना आप लोग,
और अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग हैलीफैक्स कनाडा कुछ भी, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर अच्छा लगेगा तो गिव अस अ थम्स अप। ऐसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो हम लोग लेके आने वाले हैं, ऑल दी ऑफबीट प्लेसेस इन कनाडा, जो शायद आपको अच्छा लगे। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। एंड स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।